हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ द वर्क एनर्जी एंड पावर। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एज वी स्टडी इन द चैप्टर वेक्टर्स, व्हेन वी रीड द चैप्टर दैट इज़ द काइनेमेटिक्स। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे इसमें लिखा है ए डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे राइट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, हम इसे एक ए डॉट बी लिखते हैं। जैसे हम इसको ऐसे राइट करते हैं आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप। ये क्या प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम ही आएगी, जैसे उनकी पोजीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। I डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i। तो वेक्टर प्रोडक्ट में इनका जो आंसर है वो चेंज कर सकते हैं, पर जब हम I डॉट j करेंगे या j डॉट k करेंगे तो हमने पढ़ा है फार्मूला, a डॉट b का फार्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस 90 जब भर देंगे तो वो कितना आंसर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो I डॉट i, j डॉट j, k डॉट k किसके बराबर आएगा, 1 के। तो इसका मतलब हम आई डॉट आई कर सकते हैं, जे डॉट जे कर सकते हैं, मतलब आई डॉट जे नहीं कर सकते, जे डॉट के नहीं कर सकते। मतलब डिफरेंट वेक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी जो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, तो फिर वो आंसर जीरो आ जाएगा। सेम वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कॉस 0 डिग्री आएगा और आंसर 1 के इक्वल आएगा। थैंक यू।